गुड मॉर्निंग, सुबह 7 बजे के बुलेटिन में इंडिया न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। सबसे पहले आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यानी कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौरतलब है कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पहली बार भारत में होने जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की आज की बैठक में 150 देशों के 2000 डेलीगेट्स आएंगे। कन्वेंशन आज से शुरू होगा और 31 जुलाई को इसका समापन होगा। भारत मंडपम में इस दौरान लोगों के लिए रेलवे हेरिटेज हैंडीक्राफ्ट जैसी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। एलोरा कैलाश जैसे कई पुरातात्विक स्थल के डिजिटल डोम बनाए जाएंगे। बजट सत्र से पहले परंपरा के मुताबिक वित्त मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज सभी दलों के सदन के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। पार्टी ने संसदीय कार्य मंत्री को सूचना दी है कि आज के दिन 21 जुलाई को टीएमसी शहीद दिवस के रूप में मनाती है। आज पुणे में बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पुणे पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने शाह का किया स्वागत। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। अधिवेशन में शामिल होने राज्यभर के नेता कार्यकर्ता मुंबई पहुंचे। बीजेपी महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन में भाग लेने के लिए शनिवार देर शाम पुणे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मदरसे के बच्चों से करवा रहे सरस्वती वंदना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला ये बर्दाश्त नहीं। मदरसों में बदलाव के सरकार के प्रस्तावों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति। कोलकाता के धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस आज कर रही है शहीद दिवस का आयोजन। इस आयोजन में शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी के प्रतिनिधि। हर साल शहीद दिवस का आयोजन टीएमसी करती है। गौरतलब है कि 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान मारे गए 13 लोगों को शहीद दिवस में श्रद्धांजलि दी जाती है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने वीना जॉर्ज ने राज्य में निपाह के एक मामले को कन्फर्म किया। मलप्पुरम जिले के 14 वर्षीय बच्चे में निपाह संक्रमण की स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि। यूपी में फिर हुआ रेल हादसा। अमरोहा में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन की दोनों लाइनें बंद। रेलवे के अधिकारियों में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सैन्य अफसरों के साथ की बैठक। बैठक में बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी भी शामिल हुए। आतंकियों के खिलाफ जारी सैन्य एक्शन को लेकर समीक्षा बैठक। योगी सरकार के कांवड़ यात्रा पहचान जाहिर आदेश के कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने आज बुलाई है अहम बैठक। सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में जमीयत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक गालियां और सांप्रदायिक नारे लिखे पाए जाने के बाद फैली सनसनी। कावेरी हॉस्टल की दीवारों पर लिखे गए थे आपत्तिजनक नारे। अधिकारियों ने दीवारों पर कराया पेंट। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। बाड़मेर जिले में सटी सीमा पर कांटेदार तार फेंसिंग काटकर पाकिस्तान ने छोड़ी 200 बकरियां। पाकिस्तान की तरफ से अचानक आई भारी संख्या में बकरियों के आने से इलाके में मची सनसनी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार झारखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड बीजेपी की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आदिवासियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं तक की बात की। शाह ने कहा झारखंड में लैंड जिहाद के कारण आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। वहीं लव जिहाद के कारण आदिवासी की आबादी कम हो रही है। सत्ता में आने पर श्वेत पत्र लाकर जमीन वापस दिलाने का काम करेगी बीजेपी सरकार। रांची में हुई बैठक में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आगामी चुनाव पर कहा बीजेपी लाओ झारखंड बचाओ क्योंकि जेएमएम का मतलब जुर्म मर्डर माफिया हो गया।
वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत गोरखपुर चिड़ियाघर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। कहा, देख रहा हूं कि हर संगठन हर संस्था इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है। तीन नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर राज्य की डीएम के सरकार की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। कहा, पहले लॉ पैनल से सलाह लेनी चाहिए। डीएमके के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरएस भारती की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस एस एस सुंदर और एन सेंथल कुमार की डिविजनल बेंच के सामने हुई। बेंच ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा। राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती में मिलने वाले ओबीसी आरक्षण को खत्म किया। ओबीसी कैंडिडेट को मिलती थी 5 साल की छूट। मामले में विधानसभा में भी शुरू हो गया है हंगामा। बता दें कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि जल्दी सरकार आने वाले 4.5 साल में 4 लाख से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्तियां करेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ और पक्ष में लोग खड़े हो गए हैं। हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ की हाई लेवल बैठक। सेना के बड़े अधिकारी आईबी और रॉ चीफ रहे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी रणनीति। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा करीब 2 सप्ताह पहले दिया था, हालांकि इसे अभी मंजूर नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मनोज सोनी के इस्तीफे का सीधा कनेक्शन ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ा है। मनोज सोनी के कार्यकाल में काफी विवाद रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। विरासत का ध्यान में रखते हुए पुणे रेलवे स्टेशन का कैसे विकास किया जाए, इन बातों पर निरीक्षण के दौरान चर्चा हुई। पंजाब के मोगा में आग का तांडव। सिंहवाला पावर हाउस में आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा में फ्री बिजली। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, फ्री इलाज, मुफ्त शिक्षा और हर युवा रोजगार को बेरोजगार को रोजगार देने का वादा। सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला केंद्र धनुष ऑडिटोरियम में अरविंद केजरीवाल की गारंटियां लॉन्च की। सुनीता केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की तरह हरियाणा में भी 24 घंटे घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। हरियाणा में पुराने घरेलू सारे बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। देश के कई राज्यों में मॉनसून जमकर बरस रहा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के भुज में भारी बारिश की वजह से नदी नाले और झरनों में उफान। भुज के नखत्राणा में घूमने आए 2 लोग झरने के तेज बहाव में फंसे, दोनों को बमुश्किल बचाया गया। मुंबई में रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर जारी। मुंबई में जलभराव वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 3-4 फीट तक पानी भर गया है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। नागपुर में भारी बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत। आसमानी आफत के चलते शहर में कई जगहों पर जलभराव हो गया। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद मकान दुकानें डूब गई। गांवों की सड़कें दरिया में हो गई तब्दील। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई घर गिर गए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि नाम के मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। नीट पेपर वाले दिन 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे 3 आरोपी। नीट के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड होने के बाद चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। राजकोट सेंटर पर 12 छात्रों के नंबर 700 से ज्यादा आए।
राजकोट सेंटर से 115 छात्रों के 650 से ज्यादा नंबर आए, जबकि 259 छात्रों को 600 से ज्यादा मार्क्स मिले। इस एग्जाम सेंटर पर कुल 1968 कैंडिडेट्स ने नीट की परीक्षा दी थी। राजस्थान के सीकर सेंटर से भी 8 छात्रों के 700 से ज्यादा नंबर आए। सीकर में विद्या भारती पब्लिक स्कूल एग्जाम सेंटर का है यह आंकड़ा। नीट में विवादास्पद गोधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई टॉपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट किया है जारी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण बहाली के खिलाफ हिंसा जारी। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाया। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाला। उपद्रवियों को देखते ही शूट का ऑर्डर। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 115 लोगों की गई जान, 2500 से ज्यादा लोग घायल। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 978 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौटे। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया। हॉस्टल को जितना जल्दी हो सके खाली करने के आदेश। 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। इससे छात्र नाराज हो गए। अब इसी के खिलाफ पूरे देश में हो रहा है प्रदर्शन। बांग्लादेश में फिलहाल कुल 56% आरक्षण है, जबकि सामान्य छात्रों के लिए 44% सीटें रखी गई है। बांग्लादेश में फिलहाल कुल 56% आरक्षण है, जबकि सामान्य छात्रों के लिए 44% सीटें रखी गई है। हुती विद्रोहियों के तेल अवीव में किए गए घातक ड्रोन हमले के एक दिन बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई। पश्चिमी यमन में विद्रोही समूह के कई ठिकानों पर हमला। इसराइली लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह के पास हुती सैन्य ठिकानों पर किया हमला। 3 लोगों की मौत हुई, 87 लोग घायल। इसराइल के हमले के बाद यमन में सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मोहम्मद अली अल हुती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इसके जवाब में कई घातक हमले किए जाएंगे। अदन की खाड़ी में यमन के हुतियों ने फिर दिया बड़ा हमला। सिंगापुर के ध्वज वाला जहाज हुआ क्षतिग्रस्त। हुतियों ने हमले की जिम्मेदारी ली। इसराइल हमास के बीच करीब 10 महीने से जारी जंग के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अहम फैसला। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी माना। आईसीजे ने अपने फैसले में इसराइल को जमीन खाली करने और मुआवजा देने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा इसराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा। आईसीजे ने कहा इसराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कर रहा उल्लंघन। आईसीजे के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इसराइली लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनी आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीजे के फैसले को खारिज किया। कहा यरूशलम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि इसराइल की राजधानी है। आईसीजे का कोई भी फैसला इस सच को छुटला नहीं सकता। नेपाल संसद में आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास मत पेश करेंगे। प्रचंड की पार्टी से नाता तोड़कर ओली ने नेपाली कांग्रेस से हाथ मिलाया है। मानव तस्करी के माध्यम से कंबोडिया भेज साइबर स्लेव बनाए गए 14 भारतीयों को छुड़ाने में मिली सफलता। छुड़ाए गए 14 भारतीयों में अधिकतर यूपी और बिहार के रहने वाले लोगों को कंबोडिया पुलिस ने किया रेस्क्यू। उनके जल्द भारत लौटने की उम्मीद। साइबर स्लैब बनने से इनकार करने पर दी जाती थी भयंकर प्रताड़ना। लाओस कंबोडिया म्यांमार और थाईलैंड भेजकर ऑनलाइन ठगी के काम में धकेले जाते थे। लातविया की राजधानी रीगा में जुगला नहर में तैराकी के दौरान भारतीय छात्र एलिबन शिंटो लापता। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी। दूतावास से मिला मदद का भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना। बोले ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 के एजेंडे को बेनकाब करने के लिए अगले हफ्ते से अपना प्रचार अभियान फिर से शुरू करेंगे।
यूएनएससी की बैठक में भारत का पाकिस्तान पर निशाना, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कुछ देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यूएनएससी की बैठक में भारत ने पीओके में चीन की परियोजनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान एससीओ की भूमिका को कमजोर करने की कर रहा कोशिश। रूस की जेल में कैद अमेरिकी पत्रकार इवान को 16 साल जेल की सजा, रूस की कोर्ट ने इवान को जासूसी के मामले में दोषी ठहराया। रूसी कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक इवान अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का एजेंट है जो रूस के यूराल शहर में एक मिलिट्री टैंक फैक्ट्री की जासूसी करते पकड़ा गया था। रूसी कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरानी जताई, कहा इवान को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो एक अमेरिकी नागरिक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी पत्रकार इवान की गिरफ्तारी को गंभीर अपराध बताया, कहा यह दिखाता है कि रूस में मीडिया को दबाया जाता है। यूएई से दक्षिण भारत के शहरों की यात्रा अब सस्ती होगी, अबू धाबी से दक्षिण भारत के 3 शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। जेल में बंद इमरान खान को जान का खतरा, पत्नी बुशरा का आरोप पति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बुशरा बोली रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद उनके पति इमरान को दिया जा रहा गंदा खाना, पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अपनी जान को भी बताया खतरा। पीटीआई पर बैन लगाने की योजना पर अमेरिका के बयान को पाकिस्तान ने अंदरूनी मामलों में अनुचित दखल बताया, पत्रकारों के सवाल पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने दिया बयान। पेरिस ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू, भारतीय दल का पेरिस पहुंचना शुरू, तीरंदाजी और नौकायन टीम पहुंची खेलगांव। पेरिस ओलंपिक में 18 दिन में 16 अलग अलग खेलों में पदक के लिए दांव लगाएंगे 117 भारतीय खिलाड़ी। खेल महाकुंभ 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। पेरिस ओलंपिक 117 भारतीयों में 24 सेना के खिलाड़ी, सेना से 2 महिला खिलाड़ी भी शामिल। सबसे ज्यादा नजर सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा पर। तीरंदाज दीपिका बोली पेरिस में बेटी की कमी खलेगी लेकिन ओलंपिक पदक के सपने के सामने ये कुछ भी नहीं। विमेंस एशिया कप 2024 में आज भारतीय टीम अब ग्रुप ए के अपने मुकाबले में यूएई का सामना करेगी, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भारत को लाने की लगाई गुहार, हाइब्रिड मॉडल से किया इनकार। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में इंग्लैंड के 416 रन के जवाब में 457 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ जोशुआ डी सिल्वा और शमर जोसेफ ने 10वें विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की ओर से टेस्ट क्रिकेट में 10वें विकेट के लिए हुई ये दूसरी सर्वोच्च साझेदारी है। स्पेन के मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच, वर्तमान फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया फैसला। मनोलो मार्केज के भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बनते ही नया विवाद सामने आया, अब पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा देने की बात कही। वीकेंड पर बैड न्यूज को मिला फायदा, विक्की तृप्ति की फिल्म ने कर ली लगभग 5.5 करोड़ की कमाई। नताशा संग तलाक होते ही हार्दिक ने इंस्टा पर एक्ट्रेस अनन्या पांडे को किया फॉलो, अनन्या पांडे ने भी हार्दिक को फॉलो किया। अनंत राधिका की शादी में दोनों के डांस की हुई थी चर्चा। सुष्मिता सेन ने रोमन संग स्पॉट होने पर दिया रिएक्शन, डेटिंग की खबरों को बताया निराधार, बोली 2 साल से सिंगल। एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने पर्सनल लाइफ को लेकर की बात, 2 एक्ट्रेस को डेट करने पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले कैसा नोवा बन गई थी पहचान। सिनेमा में वापसी पर बोले चिराग पासवान, मैं बुरा एक्टर हूं, कंगना मेरे साथ फिल्म नहीं करेंगी। 2011 में चिराग ने फिल्म मिले ना मिले हम में कंगना रनौत के साथ की थी एक्टिंग।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप वीडियोस।